तो दोस्तों अपकमिंग मूवी गदर 2 से इसके 3 सुपरहिट ट्रैक उठ जा काले कावा, खैरियत और मैं निकला गड्डी लेके के रिलीज होने के बाद अब जल्दी इस मूवी से इसका एक और नया सॉन्ग रिलीज होने जा रहा है, जिसको लेकर के अभी रिसेंटली मेकर्स ने बड़ी अनाउंसमेंट भी कर दी है। जी हाँ, आप सबको बताना चाहेंगे कि जहाँ ये मूवी गदर 2 आने वाले 11 अगस्त को रिलीज होने जा रही है, जिसमें अब बेहद ही कम दिन बचे हैं, तो ही अब जल्द ही मेकर्स इस मूवी से इसका एक और नया सॉन्ग रिलीज करने वाले हैं, जिसका टाइटल मे भी चल तेरे इश्क में रखा जा सकता है। हालांकि ये सॉन्ग इश्क में मूवी में रखा गया है, लेकिन मूवी से पहले क्या मेकर्स इस सॉन्ग को रिलीज करेंगे या फिर नहीं, ये भी कन्फर्म नहीं है। बट हाँ, चल तेरे इश्क में सॉन्ग मूवी में है, जिसमें हमें मे भी उत्कर्ष शर्मा और साथ ही साथ सिमरन कौर नजर आ सकती हैं। बताते चले कि अभी रिसेंटली रिकॉर्ड लेवल जी म्यूजिक कंपनी ने गदर 2 मूवी से इसके सभी सॉन्ग को लेकर के एक एल्बम जारी कर दिया है, जहां इस मूवी में हमें कुल तकरीबन 7 गाने देखने के लिए मिलेंगे। और गानों की लिस्ट कुछ इस प्रकार है। पहला होगा उड़ जा काले कावा, दूसरा है खैरियत, तीसरा मैं निकला गड्डी लेके, चौथा दिल झूम, पांचवा सुरा कोई, छठा चल तेरे इश्क में, और सातवां है उड़ जा काले कावा का एक क्लाइमेक्स वर्जन, जिसमें हमें उदित नारायण और जुबिन नौटियाल की आवाज सुनने के लिए मिलेगी। बताते चले कि इन सब में से अभी केवल और केवल 3 गाने ही रिलीज किए गए हैं, एंड आई थिंक कि कुछ गानों को मूवी की रिलीज से पहले यानी कि आज से 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर और कुछ गानों को मूवी के रिलीजिंग के बाद रिलीज किया जाएगा। फिलहाल बात करें सॉन्ग चल तेरे इश्क में की, तो बताना चाहेंगे कि इस सॉन्ग में हमें नीत मोहन और विशाल मिश्रा की आवाज सुनने के लिए मिलेगी। तो इस सॉन्ग के म्यूजिक कंपोजर हैं मिथुन और साथ ही साथ इस सॉन्ग के लिरिक्स लिखे हैं सैयद कादरी ने। फिलहाल के लिए तो हाईली चांसेस है कि मेकर्स दिल झूमे या फिर चल तेरे इश्क में से किसी एक सॉन्ग को मूवी के रिलीज से पहले रिलीज कर सकते हैं। एंड मेबी जो सॉन्ग रिलीज डेट हो सकती है वो तकरीबन 7 से 9 अगस्त के बीच में रखी जा सकती है। फिलहाल देखना ये होगा कि आखिर मेकर्स किस सॉन्ग को पहले रिलीज करते हैं। फिलहाल आपका एक्साइटमेंट लेवल कितना है सिनेमा हॉल्स पर एक बार फिर से गदर मचते हुए देखने के लिए, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलता हूँ हमारे किसी अगली वीडियो में किसी और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए।